तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोगों के सामने फिर से एक जो पुरुलिया डीजे वाला जो स्टेटस है, मैं फिर से आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ। तो बहुत भाइयों का डिमांड था जो भाई पुरुलिया डीजे ले, पुरुलिया डीजे का स्टेटस ले आओ। तो फाइनली गाइस, आप लोगों को सामने में लेके आ चुका हूँ जो पुरुलिया डीजे वाला किस तरीके से आप स्टेटस बना सकते हैं, एकदम आपको झाकस देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वीडियो का, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ इस तरह से वीडियो आप कभी भी नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरा नाम दीजिए, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन टेक्नो यूट्यूब चैनल। तो अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आपको इस वीडियो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इस तरीके से आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं है, तो वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को मैं एक बात बोल देता हूँ आगे, तो आप लोगों को जो इस वीडियो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो इस वीडियो को छोड़ कर आप जा सकते हैं, आप लोगों को मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो को देख ही लेते हैं। तो आप लोग का अलर्ट मोशन ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। तो जैसे कि साथ ही अभी देख सकते हो, मेरा जो यहाँ पर मोबाइल का स्क्रीन है मैं ऑन करके लिया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पास जो अलर्ट मोशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अभी जो मेरे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जिस प्रोजेक्ट वाला लिंक को आप यहाँ पर इंपोर्ट किया थे, उस वाले प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये जो प्रोजेक्ट का बिट मार्क है यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर रहा हूँ। तो इसको वॉल्यूम तो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, नहीं तो मेरा जो वॉइस है आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो अभी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा। जो पुरुलिया डीजे है ये आप लोगों को बहुत सारा कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा है, भाई पुरुलिया डीजे पर एक स्टेटस लेके आओ। तो फाइनली गाइस, इस वाला जो वीडियो है ये मैं पुरुलिया डीजे का लेके आ चुका हूँ। तो इसको फोटो के ऊपर क्लिक करना है, इसको थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको फिल स्क्रीन पर क्लिक देना है, इस वाला एरो पर ऊपर क्लिक करना होगा, अगले आपको बिट मार्क तक पहुँच जाओगे। इसको अभी बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा यहाँ पर क्लिक करके इसको कट कर देना होगा। फिर से आप लोगों को प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करके आपको जो आपको गैलरी है वो आप लोगों को यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो जहाँ पर आप लोगों को फोटो है वो आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ इसी तरीके से जो आप लोगों को फोटो सिलेक्ट का काम है आप लोगों को करना होगा। तो अभी देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ इसी तरीके से जो आप लोगों को फोटो सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो कुछ इसी तरीके से जो जितने आप लोगों को फोटो प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो एंड इमेज पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो फोटो है ये आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना होगा, सॉरी गाइस, यहाँ पर ऐड करना होगा। एक एक करके आप लोगों को ऐड करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर फिल स्क्रीन पर करना है, फिर इट से इस वाले एरो पर ऊपर क्लिक करना होगा। जो आप लोगों का अगली बिट मार्क है वहाँ तक पहुँच जाओगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसको डिलीट कर देना होगा। तभी आपको फिर से आप लोगों को बैक चले आना होगा, फिर से आप लोगों को फोटो सिलेक्ट करना है, वीडियो एंड इमेज पर क्लिक करना है, व्यू ऑल पर क्लिक करना होगा, व्यू ऑल पर क्लिक करके इसको फोटो पर क्लिक करना होगा। फोटो पर क्लिक करने के बाद अभी आपको जो फिर से आप लोगों को फोटो है ये आप लोगों को यहाँ पर ऐड करके तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल स्क्रीन पर कर देना है, कर देने के बाद इसको जो अभी बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसको डिलीट कर देना होगा। कुछ इसी तरीके से जितने आप लोगों को यहाँ पर फोटो यहाँ पर बीट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर बीट में आपको कुछ इसी तरीके से जो है ये आप लोगों को यहाँ पर सेट फोटो जो है सिलेक्ट का काम आप लोगों को यहाँ पर करना होगा। तो मैं जो ये काम है मैं तुरंत से कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो। तो जैसा कि साथियों अभी देख सकते हैं, जो मैं जो यहाँ पर जो फोटो सिलेक्ट का काम है मैं कर लिया हूँ। तो अभी आपको जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस वाले प्रीसेट को आप डाउनलोड किए थे उस वाले प्रीसेट को आपको यहाँ पर इम्पोर्ट करना होगा। तो ये वाला प्रीसेट आप लोगों को यहाँ पर ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको इस वाला जो प्रीसेट है इसको लिंक आपको कॉपी करना होगा। तो इस वाला लिंक कॉपी करने के लिए यहाँ पर आपको इफेक्ट पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको अभी कॉपी इफेक्ट आपको करना होगा।
तो फर्स्ट वाला आपको फिर से आप लोगों को बैक आ जाना होगा। आने के बाद अभी जो आप फोटो को जो अभी आपको प्रोजेक्ट को आप बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में आपको चले आना होगा। आने के बाद यहाँ पर ये जो बड़ा फोटो नज़र आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना है। फिर से आपको थोड़ा सा आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो छोटा फोटो नज़र आ रहा है इसको छोड़ देना है, इसमें इस वाला इफेक्ट को आपको नहीं लगाना है। फिर से आपको जो ये बड़ा वाला फोटो नज़र आ रहा है यहाँ पर इस वाला फोटो पर ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना है। फिर से आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा, तो थोड़ा सा इस वाला जो छोटा फोटो है इसको छोड़ देना है। फिर जो आप लोग को ये जो बड़ा फोटो नज़र आ रहा है इसको ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना है। कुछ इसी तरीके से जितने आप लोगों को छोटा फोटो को आपको छोड़ देना है, जो आप लोग को बड़ा जो बीच बीच में आपको जो बड़ा फोटो नज़र आ रहा है इसमें आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना है। कुछ इसी तरीके से जितने आप लोगों को यहाँ पर बड़ा फोटो नज़र आ रहा है इस फोटो में आपको इसी इफेक्ट आपको ऐड करते हुए जाना है, तो कुछ इसी तरीके से जो है ये आप लोगों को ऐड करते हुए जाना है। तो ये छोटा फोटो को यहाँ पे शोर करके इसको जो बड़ा फोटो नज़र आ रहा है इसको ऊपर इस वाला इफेक्ट को एक नंबर वाला इफेक्ट आपको यहाँ पर ऐड करते हुए जाना है और लास्ट तक इसको अभी कर देना है। जितने तक आपको बड़ा फोटो यहाँ पर नज़र आ रहा है इस बड़ा फोटो में आपको जो पहले वाला इफेक्ट है एक नंबर वाला ये आप लोगों को लगाते हुए जाना है। तो छोटा जो फोटो है उसमें कौन सा इफेक्ट आपको लगाओगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो का लास्ट तक बना रहिएगा तभी आप लोगों को समझ आएगा। तो अभी आपको फिर से इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना है। तो कुछ इसी तरीके से जो है जितने आप लोगों को यहाँ पर बड़ा फोटो नज़र आ रहा है इस वाले फोटो पर ऊपर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके इसका पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना है। बहुत ही सिंपल सा है ये काम, आप लोगों का आसान स्टेप फॉलो करके आप कुछ इसी तरीके से स्टेटस आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को कोई भी इस स्टेटस को बनाने में दिक्कत आए तो मेरे इंस्टाग्राम का नाम है आर्यन खान 80, तो आप वहाँ जाकर के मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को मैं फुल हेल्प करूँगा। तो आप लोगों को भाई आप लोगों को उस तरीके से नहीं है, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आप लोगों को एडिटिंग से प्रॉब्लम है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। वहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पर आप मेरे को पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को सभी का रिप्लाई करता हूँ, सभी का आपको डाउट को मैं क्लियर कर दूँगा। तो अभी तक भाई का चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया सोच क्या रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आपका भाई का चैनल है ना, आपको लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ भाई, आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई। तो अभी इस तरीके से जो है कुछ इसी तरीके से आप लोगों को सारे फोटो में कुछ इसी तरीके से इफेक्ट को आपको लगाते हुए जाना है। तो अभी देख सकते तो मैं जैसे कर रहा हूँ कुछ इसी तरीके से आप लोगों को जो ये इफेक्ट है आप लोगों को करना होगा। तो ये जो मैं काम है, मैं ये जो बड़ा फोटो में फोटो सेलेक्ट का काम है मैं कर लेता हूँ जल्दी से, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा। तो जितने भी आप लोगों को ये बड़ा फोटो नज़र आ रहा है इसमें क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसका पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना है। तो फिर से आप लोगों को ये वाला लास्ट वाला फोटो में आपको क्लिक करना होगा, इस वाला पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक कर यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना है। जैसा कि साथियों अभी देख सकते हो जितने आप लोगों को मेरा यहाँ पर बड़ा फोटो है वहाँ पर मैं ए सोला इफेक्ट को मैं यहाँ पर ऐड करके दिया हूँ। तो अभी आपको फिर से बैक चले आना होगा, आने के बाद मेरे जो सेक इफेक्ट का लिंक है उसको अभी ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद इस वाला जो टू नंबर वाला जो इफेक्ट है इसको ऊपर क्लिक करना होगा, इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको कॉफी इफेक्ट आपको करना होगा। फिर से आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको जिस प्रोजेक्ट को आप यहाँ बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको नीचे चले आना होगा, आपका जो फोटो है वहाँ पर आपको आ जाना होगा। आने के बाद अभी आपको क्या करना है आप लोग अभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग को कुछ इसी तरीके से स्टेटस आप कभी भी नहीं बना सकते हैं। एक बार भी आप लोग को मिस करोगे तो इस तरीके से स्टेटस आप नहीं बना पाओगे। तो इस वाला जो छोटा फोटो है इसको ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके इसको पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना होगा। तभी आपको जितने आप लोगों को छोटो यहाँ पर फोटो नज़र आ रहा है इस फोटो में कुछ इसी इफेक्ट को आपको ऐड करते हुए जाना है। तो अभी देख ही सकते हैं,
तो यहाँ पर आपको जो छोटा छोटा जो यहाँ पर फोटो नज़र आ रहा है, इस फोटो में कुछ इसी इफेक्ट को आपको ऐड करते हुए जाना ही है। जो आपको वीडियो का लास्ट तक आपको इसी इफेक्ट को आपको छोटा फोटो में कुछ इसी इफेक्ट को ऐड करते हुए जाना है। तो ये जो मैं इफेक्ट का जो काम है मैं जल्दी से कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा। हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस फोटो में मेरा जो प्रीव्यू में आप लोगों को देखा है कुछ इस फोटो में जो आप लोगों को जो इफेक्ट आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको दिख रहे हैं तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको इफेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ऐड इफेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्मर पर जाना होगा। जाने के बाद यहाँ नहीं तो कैसे ऐसे नहीं है तो थोड़ा सा मैं बैक कर लेता हूँ, यही तो है तो मैं बैक कर लेता हूँ, तो यही पर ही है तो ये वाला, तो मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को ढूंढ लेता हूँ फिर से आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर नहीं है तो कहाँ गया है वो वाला, और ऑपोसिटी या विजिबिलिटी पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो आप लोग को ब्लिंक दिख रहा है फ्लिकर आप लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्लिंक यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एस्टेंट सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एस्टेंट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको जो है पूरी तरीके से आप लोगों को फुल कर देना होगा। इसको आपको एकदम आपको लास्ट तक कर देना है जो आप लोगों को वीडियो का जो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा। तो अभी देख ही सकते हैं, तो अभी आपको जिस फोटो में आपको इस वाले इफेक्ट को आप लगाना चाहते हैं तो उस वाले फ़ोटो को यहाँ पर आप लगा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत ना हो उसीलिए आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। तो अभी आपको जो भी आप लोगों को फ़ोटो में इस वाले इफेक्ट को आपको लगाना चाहिए तो यहाँ पर आपको आना होगा, इस फोटो में आपको क्लिक करना है। इसको अभी कॉफ़ी इफेक्ट आप कैसे करोगे ये दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इस वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कॉफ़ी इफेक्ट पर एक क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉफ़ी इफेक्ट कर देना है, तो यहाँ पर आपको जो भी आपको जहाँ पर भी आप लोग का अच्छा लगेगा, मान लीजिए दोस्तों मेरे को ये वीडियो में ये फ़ोटो में आपको ये ऐड करना है तो इसको इफेक्ट पर क्लिक करूँगे मैं, यहाँ पर आपको मैं पेस्ट इफेक्ट आपको मैं कर दूँगा। तो अभी देख ही सकते हैं कुछ इसी तरीके से जो आप लोगों का इफेक्ट है यहाँ पर आपको लग जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आसान स्टेप फॉलो करके कुछ इस तरीके से आप स्टेटस बना सकते हैं। तो फाइनली गाइस कैसे मेरा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, तो मैं फ्लिकर वाला जो है इसको मैं थोड़ा सा लगा लेता हूँ फिर से आप लोगों को मैं प्रीव्यू में दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, तो एक बार मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से जो है आप लोगों के सामने स्टेटस मैंने बनाया है। बहुत सारे भाई ने मेरे को कमेंट किए थे, भाई जो पुरुल्ला डीजे पर आपको स्टेटस लेके आओ। तो फाइनली गाइस इस वाला जो स्टेटस पुरुल्ला से लेके आ चुका हूँ, पुरुल्ला वाला स्टेटस, तो अभी देख सकते हो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। तो आप लोग को इस वीडियो का जरा सा भी पसंद आया होगा इस वीडियो का एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए। इसको शेयर आपको सेव करने के लिए आपको कॉर्नर पर आपको क्लिक करना है, आपको पसंदीदा रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो आज के लिए इतने, फिर से मिलेंगे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।